क्या इंपॉर्टेंस है किस तरीके से हम डेली बेसिस पे इन सैटेलाइट्स को यूज़ कर रहे हैं किस तरह हम इनसे इन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर तो उसके लिए आपको क्या करना है क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सुनना है एंड देन आंसर दें सो माई डियर स्टूडेंट्स फॉर विच पर्पज आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स आर यूज कौन से पर्पज़ के लिए हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स को यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए नेविगेशन के लिए सर्विलेंस के लिए इन तमाम कामों के लिए हम आर्टिफिशियल आर्टिफिशल को यूज कर रहे हैं ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो नाउ इज टाइम फॉर एन एक्टिविटी सो लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली सो यहाँ पे आपको एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नजर आ रही है जो कि अर्थ के साथ स्पिन कर रही है और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही है यानी कि इट इज स्पिनिंग इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ विद द स्पीड ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ यानी कि ये अर्थ की स्पिन की जो स्पीड है ये उसकी स्पीड से अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करी है सो दिस इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सेटेलाइट हेयर यू कैन सी इट ओके सो नाउ माई क्वेश्चन इज दिस दैट वाई जियो सेटेलाइट रिवॉल्व इन ऑर्बिट सो जियो सेटेलाइट जो है ये क्यों एक ऑर्बिट में फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स स्पीड से रिवॉल्व करती हैं सो so, ये एक पर्टिकुलर एरिया जो है ये उसको कवर करती है एंड दैट इज वाई ये अर्थ की स्पीड से एक फिक्स्ड लोकेशन पे जब इनको लोकेट uh, किया जाता है तो ये अर्थ के साथ साथ जो है स्पिन करती हैं उसके गिर्द ऑर्बिट करती हैं तो ये एक फिक्स्ड एरिया को कवर करती हैं तो इनको मुख्तलिफ कामों के लिए उस एरिया का वेदर आप जान सकते हैं इनसे उस एरिया की पिक्चर्स ले सकते हैं जीपीएस के लिए इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी ले सकते हैं और इसके अलावा किसी की सर्वेलेंस अगर आपने करनी हो किसी के ऊपर चेक रखना हो तो इसके कामों के लिए भी आप जो है जियो स्टेशनरी को यूज कर सकते हैं Okay, my dear students. So in today's lecture, the students will be able to define artificial satellites and explain their importance in exploring the Earth and space. So, my dear students, in today's lecture, the um, will बच्चे जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस जो है जो इन सेटेलाइट्स uh, 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 की इंपॉर्टेंस है उनके बारे में जानेंगे ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो माय प्री रीडिंग क्वेश्चन बिफोर द रीडिंग इज़ व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सेटेलाइट्स एडवांटेजेस क्या क्या हैं कम्युनिकेशन आसान हो गई है वेदर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके अलावा हम कहीं पर भी किसी भी जगह पर लॉस्ट नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास गूगल मैप जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे हम अपना रास्ता जो है वो ढूंढ सकते हैं Okay, my dear students, now is the time for reading. For that, you have to open page number 119 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now, let's start the reading. Importance of artificial satellites.

इसके अलावा इन्होंने हमारी लाइफस्टाइल जो है उसको टोटली चेंज कर दिया है हमारी जिंदगियों को बहुत आसान बना दिया है कुछ एडवांटेजेस जो है वो आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन कलेक्ट मोर डेटा अबाउट द अर्थ देन ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स द रीजन इज दैट द सेटेलाइट कैन सी लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ एट वन टाइम सो माई डियर स्टूडेंट सबसे पहला पर्पज ये है कि ये अर्थ के बारे में मुख्तलि डाटा है एक्यूरेट डाटा जो है उसको आसानी से कलेक्ट कर सकती हैं ना कि आप जमीन पर रहते हुए उस डाटा को कलेक्ट करें क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट भी नहीं होगा और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो क्यों पॉसिबल है क्योंकि अगर जब आप छत पर खड़े हुए होते हैं तो ऊपर से आप ज्यादा चीजों को देख सकते हैं ऐसे ही पॉसिबल है ना ना कि आप नीचे खड़े हुए आपको कितनी चीजें नजर आएंगी बट वेन यू आर स्टैंडिंग अप तो आप ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं सो so, इसी तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के ऊपर होती हैं ये अर्थ बाहर से स्पेस से जो है जब ये पिक्चर्स लेती हैं और अर्थ को कवर करती हैं तो ये एक लार्जर एरिया को कवर करती हैं और जिस तरीके से डाटा जो है वो बहुत एक्यूरेट जो है वो कलेक्ट होता है सैटेलाइट्स प्रोवाइड मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस देन ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप इसके अलावा जो आप टेलीस्कोप से स्पेस के लिए जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो डाटा भी इतना एक्यूरेट नहीं होता जबकि स्पेस में ये सैटेलाइट्स जाती हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट डाटा जो है स्पेस के बारे में कलेक्ट करके आती हैं द रीजन इज दैट सेटेलाइट डू नॉट एनकाउंटर डस्ट एंड एटमोस्फेयरिक पार्टिकल्स वच माई डिस्ट्राप्ड कम्युनिकेशन इसके अलावा क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है ग्रेविटी नहीं है डस्ट uh, पार्टिकल्स नहीं है तो इस वजह से कोई भी इंटरप्शन नहीं होती जिसकी वजह से डाटा जो है वो बहुत ही एक्यूरेटली कलेक्ट होता है नेक्स्ट इज हैव मेड कम्युनिकेशन पॉसिबल इन फार ऑफ प्लेसिस द रीजन इज दैट ऑन द ग्राउंड देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल सच एज माउंटेन्स वेन पैटर्न स्टॉल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा सच ब्लॉक ऑफ सिग्नल वेयर एज नो सच हैव to be faced by satellites we enjoy internet services phone calls tv etc in hilly areas due to satellites only okay my dear students so scale our communication और जो आप लोग टी वी देखते हैं आ, इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल्स आपको इंटरटेनमेंट के लिए देखने को मिलते हैं इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास है ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेटेलाइट से ज़्यादा आसानी से विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है आप तक पहुँचती हैं क्योंकि ज़मीन पर ग्राउंड बेस्ड जब आप अगर इन चीज़ों को बनाएंगे तो क्या होगा कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं हवा है माउंटेन्स हैं ट्रीज हैं ये तमाम जो है ये सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं उनको रोकते हैं वेयर एज फ्राम द स्पेस नो हंड्रेंस कैन बी फेस यानी कोई जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो नहीं फेस करनी पड़ेंगे आपको कोई रुकावटें नहीं होंगी ओके माई डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से आप कम्युनिकेशन जो है उसको बहुत इसने आसान बना दिया है आराम से जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट इसके अलावा तमाम चीजें आपके एक फोन में या आपकी टैब में या आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में अब अवेलेबल है यहां गूगल मैप भी है इसके अलावा आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं आप रिसर्च कर सकते हैं हर चीज जो है इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेटेलाइट ओके माय डियर स्टूडेंट्स अब आप कहीं पे भी गुम नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास नेविगेशन सिस्टम है बिकॉज ऑफ दैटेलाइट्स

So now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So, my dear students, write down your name and the roll number, and then start doing the worksheet. So, write the correct name, which is artificial and which is natural. So, here, you have two satellites. Nazar a rahi so, which one is natural and which one artificial? Hai? Of course, this is the moon, which is a natural satellite, and this is an artificial satellite. Choose the correct option. Satellites are helpful in life programs, painting so they are helpful in live programs which is helpful in finding directions gps world wide web so that is gps which is helpful for global positioning system artificial satellite or natural satellite so artificial satellite it is right how artificial satellite is best from ground based instruments so my dear students आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से बेहतर है आपको इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द वर्कशीट आई होप क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स फॉर होमवर्क यू विल डू क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम सेक्शन सी पेज नंबर वन हंड्रेड एंड डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स एंड द रैप माई डियर स्टूडेंट टूडे वी है आप टीवी कम्युनिकेशन वेदर फोरकास्टिंग, जीपीएस, नेविगेशन ये तमाम काम जो है ये आप आर्टिफिशियल सेटेलाइट की मदद से ले सकते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो है ये ग्राउंड बेस्ड डाटा से बहुत ही ज्यादा बेहतर है सो आई होप यू हैव इन्जॉय टूडेज लेक्चर कीप अराउंड यू सेफ हैव ए गुड डे थैंक यू सो मच